लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में समस्तीपुर में मतदान होना है। 19 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी और नामांकन से पूर्व समस्तीपुर से LJPR प्रत्याशी संभवी चौधरी समस्तीपुर पहुंची, जहां संभवी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर और सत्यनारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद थानेश्वर स्थान और मणिपुर मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। पहली बार समस्तीपुर पहुंची NDA प्रत्याशी संभवी चौधरी ने रोड शो भी किया। इस दौरान जगह जगह पर काफी संख्या में NDA कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शांभवी के रोड शो में उनके पिता JDU से मंत्री अशोक चौधरी, सांसद रामनाथ ठाकुर भी मौजूद रहे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लोग के लिए काम करना है और समस्तीपुर के आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया समस्तीपुर तैयार करना है। क्या एक मुद्दा क्या रहेगा आपका? युवा, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, हर वर्ग के लोग के लोग वर्ग के लोग को लेके चलना है, सबको एक साथ लेकर के चलना है, दलित महादलित सबके लिए काम करना है। पहली बार समस्तीपुर पहुंचे हैं, टिकट मिलने के बाद क्या करेंगे? पहली बार राजनीति में इतना प्यार और आशीर्वाद सपनों में ही मिलता है। आप देख रहे हैं वो जो NDA की प्रत्याशी को और कितनी सहनशीलता, दूसरी घरारी को प्रणाम करते हुए आई है जनता को, और यहाँ माल्यार्पण करने के बाद थानेश्वर स्थान जाएगी, जनता का आशीर्वाद लेगी और विजय का जब नॉमिनेशन होगा 19 तारीख को, तो आप लोगों के समक्ष समस्याएं हैं, जो राजनीतिक माहौल है उससे आप अवगत होंगे। इस क्षेत्र को ऐसी उम्मीदवार बनी है जिसे विकास के पथ पर आगे ले चलने में कामयाबी हो।